हमारी चुनावी चौपाल इस बार धार संसदीय क्षेत्र में जमी है। धार में हम इस शो को करने जा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के, भाजपा के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं, आम जनता के प्रतिनिधि मौजूद हैं, विभिन्न वर्गों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सोलंकी मौजूद हैं, कांग्रेस के दो युवा नेता हितेंद्र ठाकुर और ओम जाट भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष अशोक जैन और उनके साथी मौजूद हैं, शरद विजयवर्गीय जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है वो भी मौजूद हैं। हम उनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि धार की चुनावी हालत क्या है। धार में 2014 में सावित्री ठाकुर विजय हुई थी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका या किसी और का नाम घोषित नहीं किया गया है और चर्चाएं आम हैं कि शायद इस बार सावित्री ठाकुर को टिकट नहीं देकर कोई नया उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारने वाली है। हालांकि कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन चर्चाएं इस तरह की आम हैं कि शायद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी को पार्टी एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बना सकती है। वो तीन बार सांसद रहे हैं और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि पार्टी शायद उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन अधिकृत घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अगर इस संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो 6 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई थी 2019 के विधानसभा चुनावों में और 2018 के विधानसभा चुनावों में, और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ धार और महू में विजय प्राप्त हुई है। हालांकि धार की जनता, संसदीय क्षेत्र की बात करें, संसदीय चुनाव की बात करें, तो दोनों पार्टियों को समय समय पर मौका देती रही है। भारतीय जनता पार्टी से छतर सिंह दरबार 2 बार चुनाव जीते हैं, सावित्री ठाकुर चुनाव जीती हैं, और कांग्रेस से गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी और अन्य लोग भी चुनाव समय समय पर जीतते रहे हैं। लेकिन धार दोनों दलों को मौका देने के बाद भी पूरा जिला आदिवासी बहुल जिला पिछड़ा हुआ है। आज़ादी के 70 साल बाद भी यहाँ रेल की कोई सुविधा नहीं है। घोषणाएं होती हैं, वादे किए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन सपने हकीकत में नहीं बदलते। यहाँ पर एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज तो बहुत दूर का सपना है। गांव के आदिवासी बच्चे इंजीनियर बनने के लिए उन्हें इंदौर जाना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है, लेकिन धार में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। खेती किसानी पर निर्भर रहने वाले इस जिले में कोई एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है। यहाँ पर कहने को तो पास में औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर है, जहाँ अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट के दावे सरकारें करती हैं, मगर धार के आदिवासी नौजवान को रोजगार के नाम पर 0/0 मिलता है। रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है और बेरोजगारी से धार जिला भी वैसा ही पीड़ित है जैसा समूचा देश पीड़ित है। तो कुल मिलाकर मुद्दे बहुत हैं, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, धार पिछड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी जागृति के बाद, आज़ादी के इतने सालों बाद भी आदिवासी क्राइम में कोई कमी नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, कौन लोग जिम्मेदार हैं, कौन खलनायक है? हालांकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं विक्रम वर्मा, उन्हें केंद्र में मंत्री का दर्जा मिला है, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी वाले पदों पर विक्रम वर्मा भी रहे हैं, जमुना देवी भी रही हैं। अभी भी धार से 2 मंत्री काबीना मंत्री हैं, हनी बघेल और उमंग सिंगार, लेकिन धार का आम आदमी वैसा का वैसा ही है, परेशान, समस्याओं से ग्रस्त। उसकी क्या वजह है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अपने खास मेहमानों को आपको तारुक कराऊंगा और उनसे सवाल करने के बाद मैं आम जनता के बीच में आऊंगा कि क्या चुनावी मुद्दे हो सकते हैं। सूरजभानी सोलंकी जी, आपसे ही सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा। आप इस क्षेत्र के सांसद रहे हैं, आपकी कई साल तक केंद्र में सरकार रही, भोपाल में आपकी सरकार रही, लेकिन रेल की छुक छुक सुनने के लिए धार के कान तरसते रहे, क्या वजह है? धार आदिवासी जिला है, इंदौर से 50 किलोमीटर है, और जब भी हमने कोशिश की कि यहाँ रेल के लिए जोड़ने की बात करें, तो हमने श्रीमंत सिंधिया साहब जब यहाँ पर रेल मंत्री थे तब 300 सीनियर सिंधिया, सीनियर माधव सिंधिया साहब, तब हमने यहाँ कोशिश की कि उसको किस तरह से शुरू किया जाए और हमने उसका सर्वे करवाया। लेकिन बाद में जब दूसरी सरकार आई
तो ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं पाया गया, इसकी वजह से यहाँ रेल नहीं। दूसरी सरकारें ने, आपकी पार्टी की सरकार थी, हमारी पार्टी के बाद में जो दूसरे दल की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जी, जब छतर सिंह जी यहाँ पर सांसद थे, तो रेल का यहाँ वायबिलिटी नहीं है, ऐसा रेल मंत्रालय ने, अफसरों ने और वित्त मंत्रालय को जवाब मिला, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। मतलब आप ये मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने धार में रेल नहीं आने दी, उस समय देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं वो तथ्य कर रहा हूँ कि हमारे समय में जब मैं सांसद था तब मैंने यहाँ पर पैसा ला करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने की योजना थी, उसके लिए मनमोहन सिंह जी को उद्घाटन की योजना के लिए फिर से उद्घाटन करने की, हमने ला करके कोशिश की। और हमारा ये कहना आज फिर से है कि अगर कांग्रेस नहीं कर पाई तो पिछले 5 सालों में क्या हुआ, हमारा फिर से ही कहना। कांग्रेस का आरोप है कि रेल नहीं आने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जिम्मेदार है। अशोक जैन साहब, जो हुआ धार की जनता देख रही है कि रेल क्यों नहीं आ रही है, आ रही है रेल पे, एकदम से आ नहीं जाएगी, शुरुआत हो गई है, जमीन अधिग्रहण हो गई है, पेमेंट किसानों के खाते में जाने लग गया, सरदारपुर इधर आपके दिखान तक आ गया है, अधिग्रहण हो गई, किसानों के खाते में पैसा जाने लगा है, तो हर चीज का 5 साल में जो काम हुआ जो 70 साल में नहीं हुआ। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि छतर सिंह दरबार जब सांसद थे तो आपकी पार्टी पार्टी थी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का टाइम था जब कितना पैसा आया कि इनकी सरकार जब कांग्रेस की थी तो पैसा कितना आया कि जिसके सुने की लाइन नहीं डाल सकती थी, कितना पैसा आया और आज करोड़ों रुपए आए हैं, और आज जो जमीन अधिग्रहण का काम चालू हो गया है बहुत स्टेट बनने लगा। लेकिन क्या आपकी सरकार इस बात के लिए जिम्मेदार है कि जो हमारी सरकार में जिम्मेदारी नहीं, हमारी सरकार अपना फर्ज निभा रही है। चलिए आम जनता से पूछ लेते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप रेल नहीं आने के लिए? ये छोड़ दीजिए, रेल नहीं आने के लिए मैं यहाँ पे दोनों दलों को जिम्मेदार मानता हूँ, कांग्रेस भी जिम्मेदार उतनी भाजपा भी जिम्मेदार है। यहाँ पे दरअसल देखा जाए तो एक ही बात पे बहस खत्म कर सकता हूँ कि ये धार जिला जो है विधायक प्रधान जिला है, यहाँ पे सांसद हो कि नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी काम कर रहे हैं इंदौर के लोग कर रहे हैं, सुमित्रा महाजन और इंदौर के माधवराव जी सिंधिया जब थे उनकी वजह से रेल यहाँ पे आई है, गुना के ग्वालियर के जो थे, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमित्रा महाजन, ये दोनों मिलके जो भी काम कर रहे हैं यही कर रहे हैं, और यहाँ का श्रेय दोनों पार्टी लेने की कोशिश करती है। लेकिन मैं खुद रेल लाओ महासमिति का संयोजक रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी मिला हूँ मैं, लेकिन मैंने यह देखा है कि दोनों दल के लोग सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां फेंकते हैं, और सांसद निष्क्रिय, मतलब सांसद निष्क्रिय, सांसद निष्क्रिय, यहाँ पर दोनों दलों का सांसद पिछले 20 साल में देख रहा हूँ निष्क्रिय है, लेकिन यहाँ के विधायक कुछ लोग सक्रिय है, और यहाँ की जनता सक्रिय है। रेल लाओ समिति ने ही जो कुछ किया है, रेल लाओ समिति ने किया है, और मैं जानता हूँ प्रताप सिंह जो चलिए सांसद निष्क्रिय है, ये आरोप लगा रहे कि चाहे किसी भी पार्टी के सांसद रहे वो निष्क्रिय रहते हैं। 2008 के अंदर मनमोहन सिंह जी झाबा में आए थे, उनने उद्घाटन किया था, अभी जब से सरकार हमारी आई है उसकी प्रगति पे मक्सी गोदरा पीतमपुर तक लाइन बिछ गई है, और यहाँ भी अधिकृत हो गई है, यहाँ भी जब मोदी जी आएंगे तो निश्चित यहाँ रेल भी आएगी और खुशहाली भी आएगी और धार का विकास भी होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। सूरज भानु सोलंकी जी कह रहे थे कि हमें नहीं मालूम, जब ये सांसद थे तो धार जिले में एक बार भी इनका भ्रमण नहीं था, ये कम से कम 1 लाख मतों से हरे थे, और आज ये मुंह दिखाने आ गए कि हमको ये नहीं मालूम। मेरा ये कहना है धार के अंदर फ्लाई बन गया, हाईवे रोड पे बन गया है, अधिकरण हो गया है, मुआवजा किसानों को मिल गया है, नौगांव के किसानों से आप पूछ लो, अगर मुआवजा मिल गया तो अधिकरण हो गया तो रेल भी आएगी। चलिए, मोदी जी ने वादा किया था कि यहाँ जब सवा लेने आए थे तब उन्होंने वादा किया था कि वो रेल लाएंगे, कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि मोदी का वादा सार्थक होगा, और कितने लोग विश्वास करते हैं कि इस बात पर नहीं है? चलिए, भरोसा तो पूरा देश ही मोदी जी पे कर रहा है, और ज्यादा दिन की बात नहीं है, फिर से मोदी जी आ रही है, और ये बात रेल की तो बहुत जल्दी छुक छुक करेगी। चलिए, रेल बहुत जल्दी छुक छुक करेगी, यहाँ पर इस तरह का विवाद मोदी के मुद्दे पर है, लेकिन दूसरी भी बहुत सारी समस्या, उन पर भी हम बात करते हैं। आप बताइए, धार पिछड़ा हुआ क्यों है शिक्षा के क्षेत्र में?
एग्रीकल्चर की क्यों कॉलेज सुविधा क्यों नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं है, ये सुविधाओं का अभाव तो आपकी सरकार भी रही। हमारी सरकार पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में नहीं रही, उसके पहले तो थी, उसके पहले रही है। ये जो पॉलिटेक्निक स्कूल से लेके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी अभी तक किए हैं कांग्रेस के शासन में ही हुआ है, उसके बाद तो एक भी कॉलेज से लेके कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के इन्होंने घोषणा की थी जिसके अभी कोई ठिकाना नहीं रहा है। ना ही इनके द्वारा धार और आसपास के क्षेत्र में पीथमपुर भी जो उद्योगीकरण हुआ था वो कांग्रेस के शासन में हुआ था। इन्होंने इन्वेस्टर्स मिस की और उसमें पैसा खाया, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक भी उद्योग आयशर के अलावा एक भी उद्योग आज तक एग्जिस्टिंग नहीं है पीथमपुर, और जितनी भी उद्योग अभी चल रहे हैं वो आयशर के इंजीनियरिंग चल रहे हैं। जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी आई है वो कांग्रेस के समय आई है। फोर्स मोटर से लेके हिंदुस्तान मोटर से लेके ब्रिज स्टोन से लेके सारी इंडस्ट्रिया कांग्रेस के शासन में ही आई है। इन्होंने सिर्फ फरमाइश के नाम से पैसा कांग्रेस के शासन में सब उद्योग लगे। नहीं नहीं, खेल प्रसार आदरणीय विक्रम वर्मा जी की देन है, जहाँ बच्चे पढ़ के और विदेशों में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके शासन में नहीं, उद्योग धंधे भी बीजेपी ने करवाए, ऐसा कुछ नहीं है। खेल विभाग की जो है आदरणीय विक्रम वर्मा जी ने डलवाया है। खेल विभाग खेल उद्योग बेरोजगारी की क्या स्थिति है? आप नौजवान हैं क्या? उद्योग धंधों के लोगों को काम मिल रहा है? धार के बच्चों को काम मिलता है? धार के नौजवान काम मिलता है? धार के बच्चों को तो सर भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने यहाँ बोल रखा है, और कुछ लोगों ने बोल रखा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देना है। उज्जैनी जैसा उद्योग क्षेत्र है उसकी स्थिति ऐसी है कि जो बद से बदतर है। उसके बाद 5 साल में जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही सांसद उसको क्षेत्र में कोई समस्या नहीं दिखती, कभी ध्यान आकर्षण में एक प्रश्न भी वो नहीं लगाती है। दूसरी बात, सूचना के अधिकार कानून से आप भी हम भी प्रदेश नहीं देश नहीं विदेश का हर व्यक्ति जान सकता है कि कांग्रेस ने धार के लिए किया है, क्या किया है, कांग्रेस के सांसदों ने धार के लिए किया है। और भाजपा ने 5 साल में एक गांव गोद लिया था आदरणीय सांसद महोदया ने, उसकी स्थिति इन लोगों से पूछ लो कि उसके क्या हाल है। चलिए जवाब ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी जवाब ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं उनसे जवाब ले लेते हैं। आपकी सांसद निष्क्रिय है और इसलिए आप खुद टिकट काट रहे हैं। कौन कह रहा है सांसद निष्क्रिय है? आप खुद उनको टिकट नहीं देना चाहते हैं? क्या टिकट काट रहे हैं? गलत है ये, आप टिकट काटा जा रहा है। कांग्रेस वाले सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा इनका कोई काम नहीं है। और अभी किसी का टिकट तय हुआ नहीं है, धार में कैसे कितना टिकट काट रहे हैं? ये आम चर्चा की साबित है, कांग्रेस वाले फैला रहे हैं चर्चा। जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको भारतीय जनता पार्टी राजकुमारी करके टिकट देगी और भारतीय जनता पार्टी का सांसद ही इस धान से। चलिए, आपने इतना काम किया तो पूरे जिले में आप हार क्यों गए? पूरी झूठ बोला कांग्रेस वाले, कर्जा माफ करेंगे? किसी कर्जा माफ किया ही नहीं, उन्होंने कर्जा ही माफ नहीं किया किसी का। अब सब जनता सब कर्जा माफ करने के लिए झूठ बोला क्या कहना है? हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने 2014 में जो बोला था वो झूठ बोला था, जिसकी वजह से आप हारे हो। मोदी जी ने बोला था कि पैसा इंदौर में हुआ 15 लाख का झूठ कमा है, वो आएगा तो 15 लाख आपने 15 लाख 2 लाख रुपए की कर्जा माफ के दस्तावेज 2 लाख रुपए तक के कर्जा माफ के दस्तावेज नरोत्तम मिश्रा के पास झूठ है और उन्होंने हार मानी है। माफ नहीं हुआ, आज किसान इनका इंतजार गांव-गांव में कर रहे हैं। कांग्रेसियों को जगह जगह प्रोत्साहन करने लगे, वो हार मान अपने मुद्दे का प्रयास न कर रही थी। जो कांग्रेसियों ने उनसे कांग्रेस को झूठ बोला है, आपने जो प्रमाण पत्र दिया ऐसा नहीं जमा कर किसानों को ठगा दे रहे हैं। प्रमाण पत्र दिया मोदी के नाम पर किसानों को ठगा दे रहे हैं। एक मिनट बात सुन लीजिए, बीजेपी वाले देखो, एक मिनट सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक मिनट चुप जाइए, चुप जाइए, भैया बात कर रही है, बात कर रही है। यदि किसानों का कर्जा माफ हुआ है तो उनको मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसान को कर्जा माफ क्यों नहीं? देखिए, सरकार ने मुख्यमंत्री ने पहली फाइल जो साइन करी है वो 2 लाख रुपए तक के कर्जे की माफ की है। हमने नरोत्तम मिश्रा जी को वो लिस्ट दे दी है जिसमें उन्होंने कहा, मेरी बात सुन लीजिए, जब हमने बीजेपी वाले को वो लिस्ट दे दी, किसी का भी कर्जा नहीं माफ हुआ, बल्कि उन पर नोटिस आ गए रिकवरी के, उन पर
नोटिस आ गए कि आपकी संपत्ति नीलाम की जाएगी। अभी एक नारा प्रचलित है, 72 हजार युवाओं को देंगे, कहाँ से लाएंगे? कौन सा बजट, क्या योजना? 72 हजार हल्ला धरने क्या होता है? अपनी बात बताइए, आप मुद्दा बताइए कि मेरा कहना ये है, ये कहते हैं किसानों का कर्ज माफ, ये आशीष भाकर बैठे, ये बता दें कि इनका अकाउंट में अभी तक पैसा आया कितनी आया? दूसरी बात, एनओसी मिल चुकी है, इनका किसको एनओसी मिल चुकी है, बैंक से एनओसी मिल रही क्या? आप जाकर मैं ये कह रहा हूँ आपकी बात, मैं 8 दिन में उन्होंने 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही थी, और यदि नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। 80 दिन हो चुके हैं, इन्होंने हमको मैसेज आया, मैं खुद किसान हूँ, हमको ये मैसेज आया है कि आपका आवेदन प्राप्त हुआ है, लेकिन ऋण माफी स्वीकृत नहीं हुई है आचार संहिता के कारण। 3 महीने तक ये क्या करते रहे, जब 10 दिन का वादा था? प्रमाण पत्र दे दिए खिलौने की तरह, अगर आप बैंक में जाकर देते हैं तब आप हमको एनओसी दे दो, एनओसी देने के लिए तैयार नहीं है, कर्ज माफी धोखा है क्या? नहीं, कर्ज माफी नहीं है। जो राहुल जी ने वादा किया था कि हम 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, सभी किसानों को प्रमाण पत्र दे दिए गए हैं, किसानों को प्रमाण पत्र मिल गया, किसान संतुष्ट है। ऐसा कब मिलेगा पैसा? चुनाव आचार संहिता लग गई थी, अब चुनाव आचार संहिता में आप बताइए क्या, हम चुनाव के बाद सभी किसानों तेल लगा के चाहते हैं क्या? प्रमाण पत्र दे दिया गया, दूसरी चीज बैंक में काम करेंगे, बैंक वाले मैं भी किसान हूँ, मेरे पास भी 200 बीघा जमीन है, मेरे को भी दिया गया है, और बैंक मान रही है इस चीज को, कर्जा आपका चुनाव आचार संहिता के बाद माफ होगा, और कांग्रेस ने जो कहा है वो करा है, क्योंकि पहला इतिहास में जो कांग्रेस ने किया है कि 10 दिन के अंदर कर्जे गरीब लोगों के, जो सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की योजना में बट्टे बने थे धार सरकार के टाइम पे गरीब लोगों के, वो अभी तक कांग्रेस सरकार के तो नाम पे नहीं बटे यार, क्यों नहीं बट रहे? और उसके बाद कहती है कि हम सारे किसानों को पट्टे दिए गए हैं, हमारे जो मंत्री हैं, जो यहाँ से 2 मंत्री उन्होंने सबको पट्टे दिए गए हैं, और ये सारी बैंकों को सूचित कर दिया गया चुनाव आचार संहिता के कारण, ये चुनाव के बाद सबको बैंक में पैसा डल जाएगा, और जितना कांग्रेस में चुनाव के बाद आचार संहिता बाद पैसा डलेगा। राहुल गांधी 72 हजार देने वाले हैं गरीबों को, झूठी बात है, इन्होंने अभी 2 लाख रुपए देने का बोला था, सिर्फ झूठा वादा है, सभी लोग दूसरों की बात बता रहे हैं, मैं स्वयं की बात बता रहा हूं कि बैंक ऑफ इंडिया का मुझ पर 93 हजार रुपया लोन है, और अभी 2 रोज पहले मुझे वहां पर बैंक में आकर के सफाई देने के लिए बुलाया, पैसा जमा करो ऐसा बोला गया। आपने कहा नहीं कमलनाथ जी माफ, मैंने बोला, लेकिन बोला ऐसा कोई आदेश अभी आया नहीं है, 93 हजार रुपया मेरे पे अभी भी बकाया है, मुझे नोटिस नहीं दिया गया। रही बात रेल वाली बात बोल रहे हैं, ये तो जिनके घर कांच के होते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर भी फेंके, 2009 में गजेंद्र सिंह जी राजू खेड़ी जीते, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि 2011 में धार में रेल रोडें लगी जाएगी, 14 तक इनकी सरकार थी, क्यों नहीं रेल आई भाई? आज 5 साल हुए, चलिए 14 तक आपकी सरकार रही, 2011 में बोला था धार में रेल आ जाएगी, धार में रेल क्यों नहीं आ पाई? रेल का काम धीरे कर रहे हैं, आप देखते जाएं बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 3 करोड़ बेरोजगार देश में घूम रहे हैं, कहीं से काम नहीं आया। अगर इनकी सांसद महोदय ने इतना ही काम किया था तो बीजेपी को रिपीट क्यों नहीं कर रही है? टिकट देने में डर क्यों नहीं, उनको टिकट दे रहे हैं वापस? बीजेपी उनको टिकट देने में डर रही है? कहाँ डर रही टिकट, आपका नाम से टिकट की सांसद, हमको देना है 72 हजार रुपए, इसलिए हमने बोले हम देंगे, हम फेंक नहीं रहे 15 लाख रुपए की। सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश शासन ने धार में इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा की थी, पर 15 साल हो गए सरकार बनी, उसके बावजूद यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज की टेक्निकल स्वीकृति कैंसिल हो गई और इंजीनियरिंग कॉलेज वापस धार से चला गया, ये मध्य प्रदेश सरकार की विफलता है। पिछले 70 वर्षों में देखा जाए तो धार जिले में, शहर नहीं, पूरे जिले में कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ विकास की खोखले घोषणाएं हुई हैं और लत्ती भर नाम का यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। चलिए, आम आदमी की यही पीड़ा है कि धार में सिर्फ रत्ती भर विकास नहीं हुआ है, 70 साल से धार वैसा का वैसा ही पिछड़ा है, कांग्रेस की सरकार आए, भाजपा की सरकार आए, 15 साल में भी दशा नहीं बदली, और उसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी नहीं बदली, एक इंजीनियरिंग कॉलेज तक यहाँ खोला नहीं जा सका, कैसे आदिवासियों का विकास होगा? आदिवासी के नाम पर हमेशा से, आदिवासी के नाम पर हमेशा छल होता है, कपट होता है, और वोट लेने के लिए आदिवासियों को लुभाया जाता है, लेकिन उनके विकास के काम की कुछ नहीं होती है। मैं धार जिले के कुक्सी तहसील से आया हूँ,
यहाँ के जितने भी नेता बैठे हैं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की बात सब करते हैं, पर हमारे यहाँ से लाखों मजदूर आज गुजरात मजदूरी करने को पलायन कर गए, जिनके पूरे गांव के गांव खाली हैं। जब मतदान होता है तो मतदान नहीं करने के लिए वो लोग आते हैं। यहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र करने के लिए आते कि नहीं आते, मतदान करने के लिए भी नहीं आते, फालतू पैसा दे देते आ जाते हैं थोड़े बहुत, बाकी पूरा मतदान भी नहीं होता। दूसरी बात, किसानों को कर्ज माफी के नाम पर 2 लाख के कर्ज माफी के नाम पर जो बात हुई थी, आज किसान बेचारा 31 मार्च हो गया, 31 मार्च को उसको पैसे जमा करना है और एक भी किसान के खाते में 2 लाख रुपए नहीं आए। दूसरी बात, किसान के भाव अंतर का जो पैसा था, मक्के का भाव अंतर का पैसा था, वो भी 500 रुपए प्रति क्विंटल, वो भी किसानों के खाते में कुछ नहीं डाला। जहाँ तक धार जिले की बात होती है तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। कुक्सी में सांसद ने कितना विकास किया, वर्तमान में कितना विकास है, कैबिनेट मंत्री धार जिले के कुक्सी से हमेशा रहा है। आज वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता है। आज हमारे क्षेत्र का मजदूर पलायन बड़ा मुद्दा बताइए। शासन ने बढ़ाई है कर्जा माफ की स्थिति, एक मिनट पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मजदूरों का पलायन, आदिवासियों का पलायन, इस पर बात करेंगे। सूरज भारू जी भी हमारे साथ है, अशोक जी भी हमारे साथ है। पहले सभी लोग चुप हो जाए, बात मुद्दों की कर लो, गंभीरता से बात। मोदी करते रहोगे कांग्रेस ही मोदी चोर कहता रहेगा, टाइम बिगड़ेगा। मोदी चोर है क्या फायदा, आप चुप रहिए, बात करिए। देखिए, हमारा कहना यह है कि भाजपा के जो लोग इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि किसान का कर्जा माफ हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी ने भोपाल में ये कहा, एक भी किसान का मैं लिस्ट लेके आया हूं, इधर ले आइए, मोबाइल नंबर समेत जिले की, और ये उन्होंने कहा 2 करोड़ रुपए माफ हुए धार जिले, ये नहीं नहीं कागज में नहीं, आप किसान से पूछिए, ये इस लिस्ट में आपका नाम है 95,000 रुपए आपके नाम है। माफ होना अलग बात है और माफ करेंगे अलग बात है। इन्होंने बोला हम करेंगे, माफ नहीं हुआ अभी तक। ये सभी किसान भाई लोग बैंक में जाए और अपनी एनओसी ले चलेंगे। ना तो किसी किसान का नाम है, ना बैंक का बैलेंस है, आप कैसे फोटो कापी है, ये वेरीफाई कर लेते हैं। हमने कहा मोबाइल नंबर कर लेते हैं, इसको मोबाइल लगाइए, हमारे साथ किसान है, मैं किसान हूँ। और किसी देवकरण जाट सलकनपुर में मेरी जमीन है, कितना कर्जा है मेरे पास, 2 लाख का कर्जा है, 2 लाख बैंक ऑफ इंडिया का माफ हुआ, एक रुपया भी माफ नहीं हुआ। चुनाव के बाद में होगा, मोहनलाल यादव का जमीन आपकी बिलोदा में, कितनी जमीन है, 5 बीघा भी बिल, कितना कर्जा है, 1,40,000, माफ हुआ नहीं हुआ, माफ नहीं हुआ, हो गया प्रमाण पत्र मिल गया, माफ हो गया प्रमाण पत्र नहीं, पैसा हमारा माफ हो गया, नोटिस चालू हो रहा है। इस बात में कोई सुनी नहीं। चलिए रेलवे, आप रेलवे के लिए संघर्ष करते रहे, छोड़ दीजिए। आपका शुभ नाम पवन जैन गंगवाल, केंद्रीय अध्यक्ष रेल गंगवाल साहब, आपने धार में रेल लाने के लिए बहुत संघर्ष किया जी सर,
वास्तव में धार में रेल नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये अगर हम रेल के लिए 40 साल से आंदोलन कर रहे हैं, अगर रेल के लिए वास्तव में अगर ये दोनों पार्टी अगर गंभीर होती तो जिस प्रकार ये आज कैंडिडेट के लिए लड़ रही है कि इस आदमी को टिकट दो उस आदमी को टिकट दो, अगर रेल के लिए हाई कमांड के सामने अगर ये बात रखते तो रेल कब से आ जाती और आदिवासियों का विकास हो जाता। लेकिन आज करोड़ का पैकेज की मांग की थी हमने, रेल महासमिति ने 2004 से दावत तक की रेल की उनसे बात कर लेंगे। हाँ जी बताइए, अगर अगर ये रेल के लिए वास्तव में अगर दोनों पार्टियां अगर गंभीर होती तो रेल कब की आ जाती और रेल के लिए संघर्ष कर रही है, हम 40 साल से रेल के लिए लड़ रहे हैं और अगर इस रेल के लिए अगर अगर ये जिस प्रकार उम्मीदवारों के लिए लड़ रहे हैं कि आज इसको टिकट दो उसको टिकट दो, वर्तमान सांसद ने क्या प्रयास किए रेल के लिए? सावित्री ठाकुर ने, देखो सावित्री ठाकुर ने भी प्रयास कर रहे हैं, सावित्री ठाकुर ने भी प्रयास कर रहे हैं, पीतमपुर तक रेल आ गई है और उसका विस्तार अधिग्रहण चालू हो चुका है, अधिग्रहण चालू हो गया है। जो समय ले रहे हैं 40 साल से रेलवे के लिए प्रयास कर रहे हैं पवन गंगवाल, लेकिन रेल नहीं आई उसके लिए वे दोनों पार्टियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। पलायन का मुद्दा हमारा अधूरा रह गया था, यहाँ का आदिवासी पलायन कर जाता है। मेरा पहला कहना यह है कि आप माननीय विधायक जी को ये क्या तकलीफ हुई कि जो कि सीएम को जाने धमकी देने गए वो कमलनाथ जी का कहना है कि कलेक्टर और एसपी को हटाएंगे तो ये इनको इतनी जरूरत पड़ेगी क्यों चुनाव के टाइम में भी आचार संहिता का अलोमन करता है? इसलिए जरूरत पड़ी है पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने राजीलाल मेरा कांग्रेस के विधायक विधायक की रंगदारी नहीं चली, विधायक की रंगदारी नहीं चली, इसलिए कमाना है धमकी लेकर अच्छा घर करने वाले कलेक्टर को हटाया जा रहा है। कांग्रेस आपके विधायक पाचीलाल मेरा सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, अधिकारियों की चलती है हमारी चलती नहीं है, और वो ना इतने दुखी हुए अधिकारियों से और प्रशासन से और आपके सिस्टम से कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर, शराब माफियाओं से दुखी होकर देखिए जिस तरह से अधिकारियों पर पिछले 15 सालों में अंकुश लगाना बंद कर दिया गया, सरकार का कोई अंकुश नहीं रहा, अधिकारी जो है अपने मर्जी का, आदिवासी विधायक सरकार से दुखी है ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसके आवाज दबाएगी, उसको मीडिया से बात क्यों नहीं करने दिया प्रथम तो बिल्कुल करिए, क्षत्रिय धर्मपुरी में बैठे हैं विधायक जी सबसे बात करने एक ठाकुर मंत्री ने आदिवासी विधायक को मीडिया से बात नहीं करने अगर मीडिया से बात नहीं कौन करेगा, कार्यवाही होगी ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। मेरी बात जो ये जो बातें सब कर रहे हैं विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत किया है, जो चुनाव तो हार गए बिना फिर तो हार गए बाजू में विकास से हार गए तो ये सब लोग बूढ़े विकास जी को झूठे कहते हैं आप ये तो बड़ा बंदा लगा गए झूठ आपने बोला आप दस लोग ये चुनाव जो होने वाले हैं बंदा लगा झूठ कर दिया नहीं विकास बीच होने वाला है, ये कांग्रेसी जब भारतीय भारत सेना तो भैया आप आतंकवादी का भागीदार क्यों लिख रहे हो? विकास लिखो अपने नाम के आगे, किया है तो अपने नाम के आगे विकास लिखो, चौकीदार लिखने की क्यों जरूरत पड़ गई? चलिए मैं मुझे महिलाओं को बात जान ली, एक सवाल है कांग्रेसी के विद्वान जो बैठे हुए हैं, मोदी जी आज रोजगार देने की बात करते हैं हर युवा को, दो करोड़ साल में रोजगार देने की बात की थी, कहाँ है रोजगार? सुनिए देश में इतिहास का सबसे ज्यादा बेरोजगार, मेरा सवाल आज संबल और स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं तो कांग्रेसी क्यों 12,000 रुपए देकर केवल सत्ता प्राप्ति करना इनका मकसद है? केवल 12,000 जेटली जी ने कहा कि 1,05,000 रुपए हम दे रहे हैं, जेटली जी 1,05,000 रुपए की बात कर रहे हैं केवल देश के भविष्य के साथ। ये देखिए
ये क्या है, ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती कांग्रेस। जेटली जी कह रहे हैं कि 1,05,000 रुपए हम दे रहे हैं, आप दो तो सही है, कांग्रेस दो तो गलत है। प्राप्ति करना इनका मकसद है क्या? आप इनसे पूछिए प्राप्ति करना मकसद है, योजनाएं चलाई गई और ढोर चराने और बैंड बजाने के लिए चलाई गई है, वही सिखाया जा रहा है, वही किया जा रहा है। आप पकौड़ा तलना सिखा रहे थे? हम लोग नहीं सिखा रहे थे, इन लोगों का आपने आपने कहा चाय 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 पिलाना, पकौड़ा तलना सिखाना, ढोर चराना कोई अच्छी बात तो नहीं, उनके लिए तो स्पेशल साले दोनों चोर है, जीजा साले दोनों चोर है। ये अगर मोदी मेरी बात सुनिए, युवाओं के साथ कैसा घृणित मजाक किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, उनको ढोर चराने की ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। पकौड़ा तलने में कोई दिक्कत नहीं है, व्यवसाय है, आज ढोर चराना व्यवसाय नहीं है। चलिए पकौड़ा तलने में भाजपा को दिक्कत नहीं है, ढोर चराने में भाजपा को दिक्कत है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी, आज युवा बेरोजगार हैं और राहुल गांधी अगर गरीब साल में चुनाव हो रहे हैं, पब्लिक रिजल्ट दे दे जी, रोजगार दिया नहीं दिया, पब्लिक रिजल्ट अभी बताएगी, तो वालों पर कांग्रेस द्वारा एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जा रहे हैं। हम आने वाले समय में प्रत्येक बूथ पर जनता, आप तो पायलट भी रहे, हवाई जहाज उड़ा बिल्कुल, आप बताइए कि एयरफोर्स ने जो काम किया होगा पूरी मुश्तैदी से किया होगा, आपको हवाई जहाज उड़ाने का अनुभव, फाइटर प्लेन नहीं लेकिन प्लेन तोड़ाते रहे, उसके बाद आपकी पार्टी सबूत मांगती है, देखिए अपान नहीं है। देखिए सबूत हम मांगने के पहले ये कह रहे थे कि किसी भी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कांग्रेस, पहली बार विपक्ष ने ये कहा कि सरकार के साथ खड़े हम आतंकवाद के मुद्दे पे, हमने कहा, राहुल गांधी ने कहा, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, बाद में सबूत मांगने लग गए। देखिए बाद में सबूत, सबूत इसलिए मांगने की जरूरत पड़ गई, सबूत इसलिए मांगने की जरूरत पड़ गई, सबूत इसलिए मांगने की जरूरत पड़ गई, आपने जो किया है उसको दुनिया का मीडिया कह रहा है कि आपने कुछ नहीं किया, दुनिया का मीडिया कह रहा है कि कुछ नहीं किया, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमको कांग्रेस ने देश को 7 साल में बेच दिया, 5 साल में बेच दिया, 30,000 ये थोलंदी जी ने बूझो होती 15 साल से धार में था, अरे हमारी बात सुनो, चलिए बहुत युवाओं को ढोर चराने की नौकरी दी जा रही है, युवाओं को ये बात हो गई, आप बताइए कि पीथमपुर में जो इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जी, वहाँ धार के बच्चे क्यों नौकरी नहीं पा पाते, क्योंकि इसमें क्योंकि स्किल नहीं है, योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं है। और स्किल इंडिया जब प्रधानमंत्री जी ने चालू करा तो उसका विरोध किया गया, और अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो धार में नए 2 औद्योगिक क्षेत्र, एक उज्जैनी में खोला गया है, एक हाथोद में खोला गया है, वो भी जी तो मोदी जी आके खुद खुलवा दे, उद्योग तो खोलने वाले ही खोलेंगे क्या, उद्योग एशिया की सबसे बड़ी पॉलिथीन कंपनी उज्जैनी में खुली है, वो क्या उद्योग नहीं है क्या? और अगर अगर आप कहते हैं कि अगर आप चलो ये तो है कि अब ये जो मुद्दा चल रहा है छोड़ो, यहाँ बहुत शाला की स्थिति क्या है, यहाँ पे यहाँ जो राष्ट्रीय स्तर पर जो राम मंदिर की स्थिति है वही गौशाला की स्थिति है, यहाँ मोदी जी भी आए थे, यहाँ शिवराज जी भी आए थे, वो लोग मूर्ति लाएंगे, पर अभी तक मूर्ति के पते नहीं, आज इनकी सरकार भी इनकी है, यहाँ प्रदेश स्तर पे भी इनकी थी और केंद्र में सरस्वती जी की मूर्ति लाने की बात, हाँ सरस्वती की मूर्ति अभी तक नहीं आई है, राम मंदिर की भी वही हालत है, धारा 370 हटी नहीं है, आज पाकिस्तान फिश पार करीब 5,000 फिश पार कर चुका है और कहते हैं कि चौकीदार पार का उल्लंघन, हाँ फिश पार का उल्लंघन है, और हर जगह और जो सबूत मांगते हैं हमें, हाँ क्या सबूत मांगने का, 10 बार सबूत मांगेंगे। चलिए भारतीय जनता पार्टी सवाल कर लेते, भारतीय जनता पार्टी से पूछ लेते अशोक जैन से, भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल का जवाब पूछ लेता हूँ, 15 साल से आपकी सरकार थी, बहुत सारे आंदोलन से आप जुड़े हुए थे, आप बात करते थे कि सरस्वती जी की प्रतिमा लाई जाएगी, क्यों नहीं ला पाए,
माँ सरस्वती की प्रतिमा तो आने को तैयार है, पर आप नहीं ला रहे हो? हाँ ला रहे ना, कब ला रहे हो? लंदन से, अब लंदन से, लंदन से, लंदन मूर्ति कानून में नियम है, लंदन सरकार देने को तैयार है। विदेश मंत्रालय की जब आप वादा करो तो आपको नियम नहीं मालूम थे, जब आप वादा करते तब नियम मालूम थे, नियम याद आ गए आपको, अब आपको नियम याद आ गए। वोट चला हमारी चीज है, लंदन से मूर्ति आने को तैयार है। हमारे वकील ने कि 2011 में धार में आए थे, लंदन में कोर्ट केस लगाया, केस जीत गए, लंदन सरकार मूर्ति देने को तैयार है, गौशाला में पूजा के लिए आएगी। मूर्ति क्यों नहीं आ रही? आ जाएगी, वो भी जनता आएगी। 15 साल में मूर्ति नहीं आई, अब क्या आएगी? 15 साल में मूर्ति नहीं ला पाए, अब कह रहे हैं कि अब आ जाएगी। कांग्रेस भाई उद्योगों की बात करते हैं, उद्योग ने लाया, कम से कम धार क्षेत्र में लोकसभा धार उज्जैन ही अपना पीतमपुर एशिया का सबसे बड़ा उद्योग है जो धार में ही है, अधिक से अधिक युवा वहाँ काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के राज में क्या हो रहा है? उन्होंने धारा 370 की जगह धारा 370 बैंड बजाना, ढोर चलाना, वो शाला की माँ की मूर्ति संख्या के कारण पीछे, मंगलवार संख्या रहती है 100-150, शुक्रवार 2500 जाओ संख्या जाती है मंगलवार की तो 100-150 जीते था वोट चला में, मंगलवार को संख्या 2000 हो जाएगी, उसके अगले मंगलवार तो आपको किसने रोका 2000 जाने? समाज ही बैठा है, नहीं समाज हिंदू समाज सोचेगा, हिंदू समाज जीए, हिंदू समाज बीजेपी कांग्रेस से बटा हुआ है, हिंदू समाज जी जो पहुंचाएगा, आपकी मात्र संस्था क्या कर रही है? हम तो यही काम कर रहे हैं ना, इसकी समाज आए तो प्रयास पूरा। अभी भी प्रधानमंत्री जी को हमने धार और झाबुआ दोनों जगह मांग पत्र दिया, चलिए कांग्रेस आप प्रयास क्यों नहीं करते? आप प्रयास क्यों नहीं करते सरस्वती की प्रतिमा है? देखिए आप प्रयास क्यों नहीं करते, कांग्रेस प्रयास क्यों नहीं करती? देखिए सरस्वती की जो प्रतिमा का प्रयास है वो सभी दल करने में लगे हुए हैं, 15 साल इनको भी लग गए हैं, अब हमें मौका मिलेगा तो मैं आश्वस्त करता हूं कि हम इसको कम से कम 5 साल के अंदर इस मुद्दे को इस तरह से सुलझा लेंगे, या तो हम लाने की हां कहेंगे या हम कह देंगे नहीं आ सकती है इसको इस तरह से। अगर बीजेपी ये कहती है कि जब तक की गई इनके शासन में, बीजेपी के शासन में, अरे लाए क्यों नहीं, लाए क्यों नहीं, इन्होंने क्यों नहीं लाके स्थापित करी? देखिए क्यों चालू करा को विरोध है, झूठे बकार है और झूठा बोल बोल के पूरे पब्लिक को दादा ये जो बोल रहे हैं ये खुद 20 साल में दिख रहे हैं तो धार में सांप्रदायिक स्थिति नहीं है, सब आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सब आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता अभी बनाया गया हूँ और मेरे को यहाँ आने नहीं आने से ये सारे लोग बीजेपी के समझ गए हैं कि सूरज भान सोलंकी के बिना विकास रोक दिया है। अगर ये सवाल कर रहे हैं कि मैं नहीं आया था तो इनसे पूछिए आप क्या कर रहे थे जिले में इतने साल से? विकास के बहुत काम, मैं हमारे पूर्व सांसद से पूछना चाहता हूँ, आज ये इतने मेरी मोबाइल बात सुनो, इसमें मुद्दों की बात करो, सब मुद्दों की बात करो। मैं ये कह रहा हूँ ये 10 साल तक हमारे धार के सांसद रहे हैं, धार लोकसभा क्षेत्र के, अभी यहाँ जितनी पब्लिक बैठी है जैन सब सुनो, कितने लोग उनको पहचानते हैं? 10 साल तक प्रतिनिधि इनके सांसद रहते हुए उद्योग ये लाए थे, पीतमपुर रोजगार मेला इस पक्ष ने दिया है और कांग्रेस में इनके पिताजी ने, आप सुनिए, इनके पिताजी सांसद हैं, यहाँ जनता जो बैठी हुई है पूछिए कितने लोग जानते हैं इनको? आज बात करते हैं तो कहाँ थे अभी तक, कहाँ थे विकास डिपार्टमेंट, कहाँ थे? हाँ सर, आप तो काफी बोल चुके हैं लेकिन आप अपने 15 साल की असफलताओं की बात नहीं करते, आप कांग्रेस से ही सवाल कर रहे हो। 15 साल आपकी सरकार रही, आपकी सरकार ने क्या किया उस पर भी तो बात करी, आपकी सरकार तो कुछ कर नहीं पाई। हमारी सरकार ने 15 साल में वो विकास किया है जो कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में नहीं किया था। क्यों हारे आप? कौन हारे? आप हम केवल इसलिए हारे कि जो झूठा कर्ज माफी दिया, हमारा हिंदू समाज उस लोभ में आ गया और उसने कांग्रेस को वोट दिया, इसलिए कांग्रेस जीती नहीं है, बीजेपी हार गई। अब उन्होंने 72,000 का दांव फेंक दिया, फिर आप हार जाओगे तो उनके पास और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पास 60 साल में क्या विकास किया उन्होंने कांग्रेस के? इसका मतलब आपका वर्कर जो है, हम विकास के नहीं करते, हम विकास के आधार पर जीतते हैं, तो हम विकास के आधार पर जीत रहे हो आप, पर लालच उससे बड़ा हो गया, झूठे विकास से लालच बड़ा हो गया।
अभी बीजेपी वालों ने कहा था कि जनता जवाब देगी वोट देके, तो विधानसभा में जनता ने जवाब दिया और लोकसभा में भी ऐसा ही जवाब देगी। 23 मई बीजेपी गई। लेकिन एक बड़ा मुद्दा धार जिले में जयेश का भी है। जयेश यहाँ पर एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है, मनावर, कुक्षी, धर्मपुरी में उसका काफी असर है और जयेश के संरक्षक डॉक्टर हीरा अलावा मनावर से विधायक बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जयेश की कोई काट नहीं है और जयेश ने जो ग्रास रूट में अपनी पेट बनाई है उससे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। जयेश आप पर बहुत भारी पड़ रही है। कोई जयेश भारी नहीं है। समाजवाद को विघटन करके आदिवासी में गलत भावना करता है। शिवराज सिंह सरकार ने हर आदिवासी विकास किया और आदिवासी को ढाई ढाई लाख रुपए का सारी आदिवासी सीटें हारे हैं। खरगोन की सारी आदिवासी सीटें हारे, झाबुआ की हारे, धार की हारे और जयेश के कारण हारे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, एक सेकंड यहाँ पहलवान तुम बोल रहे हो। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे जिले में 40,000 आदिवासी को पक्के मकान दिए और वो मोदी जब कांग्रेस ने झूठे वादे किए हैं, महिलाओं को बोला समूह लोन माफ कर देंगे, आदिवासी को लोन करेंगे, इस कारण इन्होंने जो भ्रमित किया ना, इसके हारे ना कि जयेश का असर है और जयेश ने आपकी पोल खोल दी गांव गांव में। जयेश का विधायक खुद ही इस्तीफा देने चला है। अलावा जी बोले कि हम ये जयेश कांग्रेस के साथ नहीं है, अब इनका भांडा फूट गया और बिल्कुल जयेश वाले आपके साथ, जयेश वाले आपको छोड़ के भाजपा के साथ जा रहे हैं। देखिए हीरालाल भाजपा नेताओं को संपर्क में देखिए, जयेश एक राजनीतिक संगठन नहीं है। जयेश के जो लोग हैं उन्होंने एक संगठन बनाया कि हमारी आदिवासियों की समस्याओं को हम सरकार के सामने रखें। हमने उन्हें ये प्रस्ताव दिया कि आप खुद सरकार में आ जाएं और वहां बात रखें। जयेश ने जो है कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और आज वो सरकार में है। आपके सिंबल पे चुनाव लड़ा, सरकार में है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में, ये गलत है। नहीं तो मिलने, ये गलत है। परंतु और मिलना कोई भी किसी भी दल के साथ में मिल सकता है। रोज कांग्रेस के लोग बीजेपी के कांग्रेस में आते हैं मिलना। आपके पिताजी स्वर्गीय शुभानु सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर आदिवासी नेता थे। जी बिल्कुल ठीक है। उसके बावजूद जयेश का आदिवासी, धार का आदिवासी युवक जयेश में चला जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विफलता नहीं है। देखिए 27 साल हो गए शिवभानु सिंह सोलंकी जी को स्वर्गवास हुए। बीच में जो आदिवासी युवा जो थे, जो पढ़ लिख गए थे, उनको ये लगता था कि भारत की संविधान की जो अनुसूची है उसमें उनको और अधिकार मिलना चाहिए। वो पढ़ लिख गए तो उन्हें ये लगता था कि दूसरे जो बड़े शहर हैं उसमें जो विकास हो रहा है, मेडिकल की सुविधाएं, वो आदिवासी जिले को और मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी मांगों को रखने के लिए 27 साल पुरानी बात करता हूँ और 32 साल पुरानी बात करता हूँ। क्या कांग्रेस ने आपके पिता के साथ छल किया? मुख्य बहुमत होने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। देखिए ये मुद्दा सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दिया। ये बहुमत होने के बाद ये मुद्दा जो है, क्या कांग्रेस आदिवासियों का छल करती थी? देखिए ये मुद्दा 27 साल पहले खत्म हो गया और जो दोनों नेता थे, क्या है दोनों जो नेता हैं वो स्वर्ग में हैं। वो दोनों सूरज भान जी, मुद्दा कभी खत्म नहीं होता, इतिहास के रूप में अमर रहता है। देखिए कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया, मुख्यमंत्री भी बहुमत होने का मुख्य रहे हैं। अस्सी में बहुमत होने का जातिगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ। 80 में मुख्यमंत्री बहुमत होने का समय पे, चलिए आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। आदिवासियों के साथ कांग्रेस ने भी छल किया है और भारतीय जनता पार्टी भी छल करती रही है। सारे लोग इस बात को मानते हैं कि आदिवासी, आम आदिवासी की हित की कोई बात नहीं हो रही, इसलिए आम आदिवासी नौजवान इस वक्त जयेश के साथ जा रहा है। जयेश क्या धार जिले की राजनीति को प्रभावित? मेरा ये कहना है कि यहाँ आदिवासी बहुल जिला है और आदिवासी में जितने भी यहाँ पे नेता हुए कांग्रेस या बीजेपी के, वो किसी नेता से जुड़े हुए रहे, उनके पट्टे बन के रहे, इसलिए आदिवासियों में टीस रही, जिसका परिणाम ये हुआ जयेश पैदा हुआ और वो जयेश में आदिवासियों ने देखा अपने आप को कि हमारा कुछ भला हो सकता है। लेकिन उसमें भी हीरालाल अलावा जैसा व्यक्ति ने कांग्रेस में घुस के उस जयेश को भी खत्म कर दिया है और स्वतंत्र रूप से कोई नेतृत्व आदिवासी पैदा नहीं हुआ, इसकी वजह से ये परिणाम है। क्या जयेश के कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जयेश एक गैर राजनीतिक संगठन है और उन्होंने समाज के विकास के लिए जो कुछ बातें उठाई थी 5वीं 6वीं अनुसूची लागू करने की, तो वो उनकी मांग जायज भी है। तो आपकी सरकार ने वो मांग पूरी क्यों नहीं करी? केंद्र में भी आपकी सरकार अभी, में भी अभी, अभी समय है उसमें। ये 65-70 साल तक इन्होंने राज किया, ये उस समस्या को जड़ से हल नहीं कर पाए।
पांच वर्षों में अभी घी खाते ही ताकत आ जाएगी शरीर में क्या? हमको अगले पांच साल दो, हम और अच्छा विकास करेंगे आदिवासियों का। अभी तो आप कर नहीं पाए अगले पांच साल नहीं, मैंने फिर बताया आपको घी खाते ताकत आ जाएगी क्या शरीर में? क्या पांच साल में विकास हुआ? पांच साल में आदिवासी का विकास? कोई विकास नहीं हुआ आदिवासियों के, ना तो योजनाएं उन तक पहुंची है ना उनका कभी कोई विकास हुआ। देखिए हरदेव सिंह जी, आपकी बहुत साल सरकार रही राज्य में, शिवराज जी की भी और भाजपा की 15 साल सरकार रही, उसके बाद आदिवासी नौजवान एक दूसरे राजनीतिक संगठन की तरफ जा रहा है, तो क्या आप कांग्रेस भाजपा दोनों की असफलता नहीं है ये? नहीं, कांग्रेस की असफलता नहीं, जो आदिवासी आदिवासियों को जो भारतीय जनता पार्टी से जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ जो भी हुआ, उनने एक अपना दल अलग बनाया लेकिन कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अभी हीरालाल जो है वहाँ पे अलावा मनावर में वो कांग्रेस से विधायक हैं, तो आदिवासी कांग्रेस को समर्थन कर अब उनकी भाजपा में जाने की चर्चा है? नहीं, गलत है वो। चलिए आप ये जात पात से तोड़ेंगे तो हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे जी। बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? आप निश्चित रूप से के वजह से जैस इतनी बड़ी राजनीति, जैसे कि मेरे मित्र ने कहा, तरह तरह के प्रलोभन और इस समाज को और इस देश के जनमानस को समाजवाद में तोड़ करके वर्ग भेद कर करके जो षड्यंत्र है इन देशद्रोहियों का, जो निश्चित रूप से उस मानसिकता के लोग हैं जो कन्हैया कुमार जैसे लोग की जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, निश्चित रूप से ये जात पात में तोड़ेंगे और हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे और इस भाव के साथ कि तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहना रहे और इस देश को भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्ध है और हम उनके साथ हैं। भारत माता की जीएसटी और इसकी मार जो जनता पर पड़ी है उसका जवाब इस चुनाव में ही मिलने वाला है। जीएसटी खुश है, जीएसटी से क्या है मेरा ये मतलब है, जब नोटबंदी की बात आती है गरीबों को कोई फर्क नहीं पड़ा, चंद अमीरों को फर्क पड़ा। इस मामले में करोड़ों रुपया उनसे छीनकर मोदी जी ने 2.5 लाख गरीबों में बांट दिए। जो कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं जिन्होंने 40 साल में लूटा था उसका धन जिनके गरीबों में बांट दिया 2.5 लाख। मैं बता रहा हूँ ये जीएसटी और नोटबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन 1.5 करोड़ लोगों को जो जिनके घर में छत नहीं थी प्रधानमंत्री जी ने 1.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास में 1.5 करोड़ मकान बना के दिए। ये जाके आज हर शहर के विभिन्न झुग्गी बस्तियों में जाके देखो उनका 100% परिवर्तन हो गया है। वहाँ पे कच्चे मकान की जगह पक्के मकान बन गए। आयुष्मान योजना के तहत लाखों हमारे ऐसे प्रदेश, अरे हम धार विधानसभा में जीते हैं और धार नगर में 5,000 आदिवासियों के मकान बने। हम 3 बार चुनाव जीते हैं। मैं कहता हूँ चैलेंज, चौथी बार में नीरा भाजी चुनाव जीत के बताएगी। इनका जो व्यवसाय है इनका जिला अध्यक्ष है, 3 बार चुनाव हो रहा है। 2 लाख वोट अगले धार में जीत के खुश है। मैं दावे के साथ कहता हूँ हार गए। राष्ट्रवाद के लिए आम जनता मोदी जी को वोट देगी, राष्ट्रवाद के लिए वोट देगी, पार्टी के लिए नहीं। क्या राष्ट्रवाद मुद्दा है? क्या राष्ट्रवाद मुद्दा है? क्या राष्ट्रवाद मुद्दा है इस समय? राष्ट्रवाद मुद्दा है क्या इस समय? देश में सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद हो गया। देखिए हर आदमी राष्ट्रवादी है, जो भारत में रहता है वो हर आदमी राष्ट्रवादी है, किसी के प्रमाण की उसको जरूरत नहीं है। आप उसके अनुसार या आपकी पार्टी के अनुसार या किसी के कहने के अनुसार आप किसी को प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। ये इस देश की जनता का अपमान है। यदि कुछ तथाकथित लोग राष्ट्रवाद का ठेका लेते हैं ये गलत है। हर आदमी राष्ट्रवादी है। सबसे बड़ा मुद्दा हो गया धार आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पे एक भी लॉ कॉलेज नहीं है। एजुकेशन के मामले में सभी सरकार हम बात कर चुके हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, लॉ कॉलेज था वो बंद हो चुका है। जो लॉ कॉलेज था वो बंद हो चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए बात नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई उसके पहले 2700 जवान एक साथ क्यों भेजे गए? क्या कारण? 2700 आरडीएक्स कहाँ कैसे आया? उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया चौकीदार ने? 2 क्विंटल राजीव गांधी जब मरे तब भी आरडीएक्स कैसे आया था? राजीव गांधी का मानव बम से मारा था। 270 क्विंटल राजीव गांधी कार भरकर आता है वो 2700 जवान निकाली जा रही है, हाथ काटे जा रहे हैं और उनको इंटरनेशनल कोर्ट में मुद्दे को उठानी भाजपा सरकार क्यों उठा उस मुद्दे को? 270 किलो आरडीएक्स एक तो उसी रूट पे क्यों आता है, दूसरी बात उसी गाड़ी को टारगेट क्यों किया जाता है जो कि
बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी, और जब सेना ने मांग करी थी कि हमें हवाई यात्रा दी जाए, 270 किलो आरडीएक्स था, 16 किस आरडीएक्स कैसे आ गया भारत में, आरडीएक्स कैसे आ गया, ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है, कांग्रेस पूछ रही है भारत में आरडीएक्स कैसे आ गया। जो पूर्व प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के थे, जब शरद पे से जब सैनिकों का सिर काटे जाते थे, जब कहां गए थे वो, आज मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। चलिए मोदी जी सुरक्षा में चूक हुई, आरडीएक्स कैसे आ गया, मैं पहले एक बात ये बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस क्या सिर्फ कांग्रेस के लिए गांधी परिवार ही भगवान है, बाकी सब उन्होंने इतनी जनता सवाल कर रहे हैं ये न्यूज क्या कहती है, क्या फरमान जारी किया है बताइए। अरे कांग्रेस के लिए क्या गांधी परिवार ही भगवान है, इसका क्या जवाब देंगे बताओ, सिर्फ गांधी परिवार। सरकारी कार्यालय धर्मनिरपेक्ष होते हैं, वहाँ किसी देवी देवता की पूजा तस्वीर नहीं होना चाहिए, सरकारी नियम है, ऐसा नियम हमारे कभी मुख्यमंत्री। आरटीएक्स की बात है, इस देश के अंदर इतने गद्दार बैठे हैं कि आरटीएक्स क्या आतंकवादी को ला के उनका समर्थन करती है कांग्रेस। राहुल गांधी जेएनयू में जाकर भारत माता तेरे टुकड़े होंगे वहां जाकर समर्थन करते हैं, अगर देश के गद्दार यहां बैठेंगे तो आरटीएक्स होंगे। जब पाकिस्तान पे अटैक होता है यही कांग्रेस वाले सबूत पूछते हैं, सबूत पूछते हैं, कोई समर्थन नहीं किया, तो आज तक वजह क्यों नहीं हुई, उससे भी आज भी ये बात सही है कि उसने इस तरह का कोई भाषण नहीं दिया, और यदि दिया होता तो भारत सरकार उसको जेल में क्यों निकालती, आज जेल में डालना चाहिए। आजादी से लेकर आज तक गांधी परिवार का जो योगदान है और जो बलिदान है, अगर आरएसएस के या बीजेपी का किसी एक नेता ने भी अगर ऐसा बलिदान किया हो, ऐसा क्या होता, मोदी जी ने बिरयानी खाई पाकिस्तान में जाकर, बिरयानी राजीव गांधी के समय लिखते तो इन्होंने समझ नहीं लिया, जब लिखते ना भू सकते ना पीडीपी हमेशा कांग्रेस से आतंकवादियों को सपोर्ट किया है, आतंकवादियों की पार्टी है, राष्ट्रवादी संगठन है, महिलाओं से बूट लेते हैं आतंकवाद के मुद्दे पे, आतंकवाद के मुद्दे पे महिलाएं क्या कहना चाहती है, उनकी राय ले ले। आतंकवाद में टेररिस्ट जो है इसी समय में नजर आने लगे कि हाँ टेररिस्ट होते हैं, नहीं तो इससे पहले तो इन लोगों को जो सालाना जाता था सरकारी खजाने से वो हमको पता ही नहीं लगता था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को बिल्कुल बिल्कुल जाता था सभी को, अभी ये बिल्कुल भागते नजर आने पड़े हैं, मोदी है तभी ये बहस हो रही है, ये तो हम लोगों की भी हिम्मत नहीं थी कि मोदी पूरा साफ कर देंगे, क्योंकि बब्बर शहर है अंदर रोक के आया है, पहली बार ऐसा मोदी है ऐसा प्रधानमंत्री जो अंदर जाकर और ठोक के आया है, पाकिस्तान में घुसकर मारने वाले एक ही व्यक्ति है मोदी जी जो घुसकर मारते, आतंकवाद को जवाब देने वाले मोदी है, मोदी चलिए आतंकवाद को जवाब देने वाले मोदी जी है, ये आम आदमी मानता है कि अगर आतंकवाद को कोई जवाब दे सकता है, पाकिस्तान को कोई जवाब दे सकता है, तो वो नरेंद्र मोदी दे सकता है, ये आम आदमी की बात है। डीजेना न्यूज में ज्यादातर लोगों की राय ये है कि राष्ट्रवाद जो है सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है, और लोगों को ये लगता है कि अगर आतंकवाद से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, तो शायद मोदी लड़ेंगे, लेकिन एक बात सही है कि धार की तासीर बदल रही है, धार की जनता इस वक्त भाजपा से कहीं ना कहीं नाराज है, इसलिए विधानसभा चुनावों में 6 सीटों पर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है, भाजपा यहां से अपने लोकसभा उम्मीदवार को बदलने का इसलिए सोच रही है क्योंकि उसको अब अपने समर्थन दिख नहीं रहा है, और इसलिए लगता है कि इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता हीरालाल अलावा पर डोरे डाल रहे हैं, और उसको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सीट बचानी है तो जयेश को कहीं ना कहीं डोरे डालना पड़ेंगे, ये राजनीतिक समीकरण कब क्या करवट लेंगे ये कहा नहीं जा सकता, फिलहाल दोनों दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, उम्मीदवार घोषित होने के बाद चुनाव और सरजमी पर चढ़ेगा, चुनाव और तूफान पर चढ़ेगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, देखते रहिए डीजेना न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है जारी रहेगा, नमस्कार।
हमारा इंदौर मालवा की शान है। मालवा के रंग में रंगी मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शो में आपका स्वागत है। महाराजा यशवंत राव होलकर महोत्सव मेला, प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जहां है कला एवं व्यापार का अनूठा संगम, साथ ही हस्तकला से निर्मित आर्ट एंड क्राफ्ट का अद्भुत कलेक्शन। ट्रेड जोन, ऑटो जोन और फूड जोन में मजा लीजिए असली मालवीय जायके का। मौज मस्ती और आकर्षक झूलों के साथ रोजाना सांस्कृतिक नृत्य कला का मंचन भी। दिनांक 16 मार्च से 21 अप्रैल, स्थान लालबाग पैलेस महुना का इंदौर, आयोजक माँ पीताम्बरा जन सेवा समिति भोपाल। पीएससी के रिजल्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ,